गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप लोग अपने वेबसाइट पे एनिमेशन कैसे लगा सकते हैं। तो मैं आप लोग को आज अपने वीडियो में यही बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ अपनी वेबसाइट का। जैसे कि आप मेरी वेबसाइट देख सकते हैं, इस पर मैंने एनिमेशन लगा के रखा हुआ है। तो जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे देखें यहाँ पर, तो जैसे कि आप स्क्रॉल करेंगे अबाउट मी बहुत ही आराम से फेड करते हुए ऊपर आया। एंड वैसे ही इस पिक के साथ एंड इस पैराग्राफ एंड इस लाइन के साथ हुआ। जैसा कि मैं फिर से आपको दिखाऊं, ये देखिए ये ऊपर स्क्रॉल करते हुए आ रहा है। माय सर्विसेज वाले सेक्शन के साथ भी यही है। ये कार्ड्स जो हैं ये पहले फ्लिप हो रहे हैं, देन ऊपर आ रहा है पैराग्राफ। जैसा कि फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। तो ये सब मैंने जैसे किया है, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को वो ही करना सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखें एंड अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो सबसे पहले आ जाते हैं AOS के GitHub पेज पर। ये बहुत ही फेमस GitHub पेज है। ये एनिमेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, यूज़फुल एंड काफ़ी अच्छा है ये। जैसे ही मतलब आपने एनिमेशन देखा होगा कई बार कि जैसे आप स्क्रॉल कर रहे हैं तो एनिमेशन सिर्फ एक बार हो रहा है एंड उसके बाद एनिमेशन नहीं होता है। लेकिन इसके साथ क्या है कि जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल अप करेंगे तो आपको एनिमेशन दिखेगा, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो भी आपको एनिमेशन दिखेगा। मतलब जैसे कि आप ऊपर, जैसे कि मेरी वेबसाइट पर मैं आपको दिखा दूँ, जैसे कि मैंने इसको ऊपर किया तो ये देखिए इस एनिमेशन हुआ, एंड जब मैं इसको नीचे ले के जा रहा हूँ फिर भी तब भी इसमें एनिमेशन हो रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार एनिमेशन हो गया फिर ये रुक गया, नहीं, इसमें एनिमेशन हो रहा है स्क्रॉल अप पे भी, स्क्रॉल डाउन पे भी। तो चलिए सबसे पहले AOS के पेज पे आ जाते हैं। हम लोग इसी GitHub पेज को यूज़ करेंगे एंड आपको इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ यहाँ पर, मैं आप लोग को एक लाइन में बताऊंगा एंड वो एक लाइन भी होगी सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेस्ट करके। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे वेबसाइट का लेआउट बनाना है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट का लेआउट बना लिया है। मैं जैसे ही इसको सेव करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ तो ये देखिए आपके सामने ये मेरा पेज रेडी है। एंड एक सेकंड, मुझे यहाँ पे दो बॉक्सेस और डालने हैं। तो हाँ, यहाँ पे 9 बॉक्सेस हो गए, एक मेन सेक्शन हो गया एंड यहाँ पे एक नेविगेशन बार हो गया। तो जैसे कि आप इसको रिफ्रेश करेंगे आपको कोई एनिमेशन नहीं दिखेगा। तो अब मैं आपको एनिमेशन लगाना सिखाऊंगा। सबसे पहले स्टेप वन, आपको ये जो CSS का लिंक इसमें AOS के GitHub पेज पे दिख रहा है, स्टार्टिंग में ही है, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसको कॉपी करना है एंड आपको इसको यहाँ पे हेड पे पेस्ट कर देना है, कंट्रोल एस कर देना है, सबसे नीचे जाना है, फिर स्टेप टू करना है, स्क्रिप्ट का ये आपको कॉपी करना है एंड इसको यहाँ पे सेक्शन के बाद बॉडी के ऊपर पेस्ट कर देना है, ठीक, सेव करना है। फिर आपको जैसे कि आप इसको रिफ्रेश करेंगे आपको कुछ एनिमेशन नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको दो ही स्टेप बताए, मैंने आपको एनिमेशन अप्लाई करना नहीं बताया। तो स्टेप टू होने के बाद आपका काम हो चुका है, बस आप लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है और आपको एक लिस्ट मिलेगी प्री डिफाइंड ऑप्शंस करके, जिसमें आपको सारे एनिमेशंस दिखेंगे, फेड एनिमेशन, फ्लिप एनिमेशन, स्लाइड एनिमेशन, जूम एनिमेशन, एंकर प्लेसमेंट, ईजिंग फंक्शन, सारे। आपको इनमें से कोई सा भी एनिमेशन कॉपी करना है। जैसे मुझे चाहिए फ्लिप अप, ठीक, मुझे फ्लिप अप चाहिए, तो मैं फ्लिप अप को कॉपी करूँगा एंड सबसे ऊपर जाके अपने ही अपने मेन सेक्शन के पैरेंट एलिमेंट पे डेटा डेटा AOS एट्रीब्यूट लगा के
इसको पेस्ट कर दूंगा। बस आपका काम हो गया। आप जैसे ही इसको खोलेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए, ये पूरा फ्लिप हो रहा है। हाँ पता है ये अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अभी आपको एक और वे बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा फ्लिप हो रहा है, एंड ये पूरा फ्लिप होना अच्छा नहीं लग रहा है। जैसा कि कभी कभी आप चाहेंगे कि आपकी ये जो सिर्फ इमेज है यही फ्लिप हो, तो ये करने के लिए आपको करना है यहाँ पे कंट्रोल एक्स, एंड आपको जो इमेज है ये रही इमेज, एंड इसके आगे आपको कंट्रोल वी कर देना है, एंड फिर से आपको खोलना है। जैसा कि आपने देखा अभी ये फ्लिप हुआ, रीलोड करेंगे ये फ्लिप हो रहा है। बस तीन स्टेप का काम था गाइस, और आपका एनिमेशन लग गया। अभी आपको मैं और भी वेज बताऊंगा कि इसको ऑफसेट पे कैसे डालना है, या फिर इस पे ड्यूरेशन कैसे लगाना है, मैं आपको सब बताऊंगा। तो अब पहले इन बॉक्सेस पे थोड़ा सा एनिमेशन लगा लेते हैं, या उससे पहले मैं आपको ऑफसेट बता देता हूँ और ड्यूरेशन बता देता हूँ। तो जैसा कि आप जाएंगे इस पे एंड इसी AOS के गिटहब पेज पे, आपको यहाँ पे ग्लोबल सेटिंग्स मिलेंगी। आपको ग्लोबल सेटिंग्स इसको कुछ नहीं करना है, आपको ऑफसेट पे जाना है एंड इसको कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी, एंड इस पे आना है। फिर आपने जो स्क्रिप्ट का लगाया था इनिशियलाइजेशन, उस पे आपको कर्ली ब्रेसेस डालना है, एंड यहाँ पे आपको वो पेस्ट कर देना है ऑफसेट 120। अभी कॉमा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी एक ही एलिमेंट है, तो सेव करना है। एंड जैसा कि आप देखेंगे ऑफसेट, मतलब ऑफसेट आपको इस पे तो नहीं दिखेगा, लेकिन ऑफसेट आपको इन पे दिखेगा। तो मैं जल्दी से इन पे एनिमेशन लगा लेता हूँ। तो कौन सा एनिमेशन लगाया जाए, तो लेट्स टेक, मैं स्लाइड राइट कर ले रहा हूँ। वैसे स्लाइड एनिमेशन लगाना वेबसाइट पे प्रेफर्ड नहीं होता है, क्योंकि ये आपके रिस्पॉन्सिवनेस को ख़राब कर देता है कभी कभी। तो गाइस मैंने सब में लगा लिया है एनिमेशन, एंड जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मैंने ऑफसेट को 120 डाला था। जैसे ही आप इसको ऊपर कर रहे हैं ये देखिए, ये स्लाइड होते हुए राइट से आया, ये देखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको ये दिखेगा ही नहीं, ये नीचे ही नीचे हो जा रहा है। तो ऑफसेट पे जो ये 120 है, ये पिक्सल्स की वैल्यू है। इसका मतलब ये है कि इस एलिमेंट के कितनी ऊपर स्क्रॉल करने पर आपको एनिमेशन दिखना चाहिए। मैं फिर से बोलूँगा कि इस एलिमेंट के स्क्रॉल करने के, इस एलिमेंट के कितनी ऊपर आप स्क्रॉल करें कि आपको वो एनिमेशन विजिबल हो। तो जैसे कि ये 120 था, तो ये थोड़ा कम है, इसको 300 लेट्स टेक कर लेते हैं, एंड ये जैसे कि आप थोड़ा और ऊपर आएंगे तो ये दिख रहा है, वैसा ही सब में हो रहा है। एंड जैसे कि आप इसमें ऊपर जा रहे हैं तो ये गायब भी हो जा रहा है, ये देखिए। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, स्क्रॉल डाउन एंड स्क्रॉल अप पे ये विजिबल होता है। एंड इतना एनिमेशन लगाना वैसे भी वेबसाइट पे अच्छा नहीं लगता है, एनिमेशन कुछ ही जगह अच्छा होता है। तो वैसे भी मैं आपको बता ही रहा हूँ, इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसा एनिमेशन लगाते हैं। और अगर आप सिर्फ डिज़ाइनर वेबसाइट बना रहे हैं तो उसके लिए तो थोड़ा एनिमेशन बनता है। एंड जो मैं ड्यूरेशन कह रहा था, ड्यूरेशन है ये, इसको आपको कॉपी करना है एंड आपको यहाँ आके कॉमा लगा के इसको पेस्ट कर देना। ड्यूरेशन मतलब इसमें ये है कि कितने देर तक एनिमेशन होना चाहिए। तो इसमें ये दिखा रहा है फ्रॉम विथ स्टेप 50 मिली सेकेंड्स, मतलब कि 50 मिली सेकेंड्स यानी एक सेकेंड में 1000 होते हैं, एंड यहाँ पे एक सेकेंड पे 400 यानी 0.4 सेकेंड एनिमेशन है, मतलब कि आपको एनिमेशन विजिबल ही नहीं है। तो इसको लेट्स टेक थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, वैसे इतना ठीक रहता है लेकिन आपको बताना है तो मैं बढ़ा रहा हूँ। जैसे कि मैं लेट्स टेक 2000 कर देता हूँ इसको, एंड ये देखिए
ऐसा ही आप रिफ्रेश करेंगे तो ये बहुत स्लो मोशन में स्टाइल से आएगा। ये देखिए, ये 2000 मिली सेकेंड्स यानी 2 सेकेंड्स का है। एंड 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 ये देखिए, जैसे कि रिफ्रेश करा, ये आ गया, ये आ गया एंड ये आ गया। तो गाइस बस आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले आपको CSS लगानी है, फिर स्क्रिप्ट को ऐड कर देना है एंड फिर आपको एनिमेशंस को लगा देना है, बस आपका काम हो जाएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैंने ये वेबसाइट का लेआउट 2 मिनट के अंदर, मुश्किल से 20 सेकेंड के अंदर कैसे बनाया, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। एंड अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है, जो मुझे पता है आप में से एक या दो ही लोग होंगे जो मेरा वीडियो पूरा देखते हैं, तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 इसको लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।